हेलो फ्रेंड्स, मैं लखनऊ रसोई से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज मूंग की दाल बनाने जा रही हूँ। दाल नहीं है, वो खड़ी मूंग है। आपने देखा होगा, मूंग तीन तरह की होती है। मूंग की दाल होती है, तीन नहीं बल्कि चार पांच तरह की होती है। देखिए, आप सीधे खड़ी मूंग अगर बनाते हैं, हरी मूंग खड़ी जो मैंने भिगो के रखी है, आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, खड़ी मूंग शायद खत्म हो गई है, वो हम लोग शाम को भिगो के उसको अंकुरित करके खाते हैं। तो कल मेरा फास्ट था, इसलिए मूंग को देखा नहीं कि है कि खत्म हो गई, तो खत्म हो गई। तो देखिए, एक तो आप खड़ी मूंग देखें, हरे दाने की उड़द दूसरी होती, मूंग दूसरी होती, तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन जो मेरे नए बच्चे हैं वो नहीं जानते। तो एक मूंग होती हरी, वो भी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। फिर उसी की दाल होती है, वो मूंग की दाल होती है जो बीमारियों बीमारियों खिलाई जाती है। इसके बाद उसी मूंग की दाल का धोवा होता है, मतलब मूंग की दाल को हम, मूंग को धरा जाता है, इसके बाद उस दाल को हम पानी में भिगो देते हैं। तो करीब तीन चार घंटे बाद उसको फिर निकाल के धूप में फैला देते हैं। धूप में फैलाने के बाद उसका छिपला पछोड़ भी निकल जाता है, वो मूंग का धोवा बोलते हैं। ऐसे ही उड़द का धोवा भी होता है। तो ये मूंग का धोवा हुआ। अब एक खड़ी मूंग पानी में भिगो के रात में और धूप में फैला दी जाती है, उसका छिटला निकल जाता है, वो भी मूंग का धोवा ही समझे। तो मैं आज वही बनाने जा रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने दो घंटे पहले, ये देखिए, मैंने इसको सुखाने को पानी में डाल के भिगो दिया था। ये देखिए, ये ऐसी होती है, देखिए ये बिल्कुल ऐसी, ये गोल गोल सा दाना। ये तो ये दाल जो है मैंने भिगो दी है, मैं आज यही दाल बनाऊंगी। तो ये दाल देखिएगा, ये आपने अभी कभी बनाई नहीं होगी। ये खड़ी मूंग की दाल है, वो भी विदाउट छिकले की, जबकि फायदेमंद तो खैर छिकले वाली है, लेकिन ये जो है टेस्टी बनती है। ये जैसे धोवा होता है, धोवा की दाल होती है, ये समूचा है। तो मैं आज इसी को बना के आपको दिखाऊंगी। तो अब जब मैंने ये कुकर चढ़ा दिया, गैस अभी ऑन नहीं की, उसके पहले मैं आपको एक दूसरी चीज दिखाऊंगी। साल अगर आपका गर्मी आ गई है, तो अभी फिर भी हवा चल रही है शिवरात्रि की, तो थोड़ी बहुत ठंड तो लगती ही है, तो हल्का फुल्का साल डालने का मन करता है, लेकिन पूरा लपेट लो तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने आज एक नया डिजाइन से आपको साल बताने की सोची है। देखिएगा, मैं देखिए, ये देखिए, ये मेरा साल है, हो सकता है आप सभी लोग जानते होंगे। ये देखिए, ये मेरा उलन साल है। मान लो अगर हमने पूरा लपेट लिया, ये देखिए, ये पूरा लपेट लिया, तो इतना भी गर्माने लगता है ना, अंदर से गर्मी लगने लगती है। तो मैंने इसको थोड़ा सा, ये पुराना डिजाइन भी हो गया, ज्यादा ठंड के इस्तेमाल के लिए है ये, और हल्की ठंड के लिए मैं आपको बताऊं। देखिए, ये मैंने साल लिया, इसका दोनों पॉइंट, एक इधर का पॉइंट ये, और एक इधर का पॉइंट ये, देखिए, ये मैंने इसको ऐसे फोल्ड कर लिया, ये देखा, ये इस तरह से फोल्ड हुआ, ये ऐसे फोल्ड हो गया। अब इसमें हम दोनों कॉर्नर को लेके यहाँ पे बड़ी सी सेफ्टी पिन लगा लेते हैं। ये देखिए, जो बड़ी वाली सेफ्टी पिन आती है पेटीकोट वोट में लगाने के लिए, ये वो वाली सेफ्टी पिन लगा ली। अब इसके बाद हम इसको खोल लेते हैं। देखिए, ये मैंने इसको खोल लिया। अब इसको हम ऐसे करके डाल लेंगे। देखिए, ये ऐसे, देखिए, ये इस स्टाइल को हो गया इस ऐसे, और इसको मैंने ये पोर्शन पकड़ा, ये वाला, और इसको मैंने ऐसे गले में डाल लिया। ये देखिए, ये स्टाइल आपकी, ये देखिए, देखा ये लुक कैसा लगा, ये ऐसे, और श्रग टाइप का हो गया, जैसे आप श्रग डालते हो वैसा हो गया। इसका भी दूसरा डिजाइन भी हम दिखाते हैं, थोड़ा दाल डाल ले। ये देखिए, पीछे ऐसे हुआ, ठीक, और ये ओपन भी है, ठीक है। अभी हम दिखाते हैं आपको इसका दूसरा डिजाइन, पहले दाल डाल देते हैं जो असली चीज है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये आधान हो गया है, खोलने लग गया है। तो अब हम इसमें ये वाली दाल डाल देते हैं। दाल क्या, कोई खड़ी मूंग धुली हुई, ये आधी कटोरी है, और इसको मैंने दो घंटे पहले भिगो दिया था। भिगोने से ये होता है ना कि मेरी गैस नहीं वेस्ट होती, और कोई बात नहीं है, सिर्फ इसलिए कि गैस नहीं वेस्ट होती, अगर मेरी दाल भीगी हुई तो एक मिनट के अंदर बॉयल हो जाएगी। और ये अदहन भी आप पहले गर्म या तो चढ़ा दें, उससे भी गैस वेस्ट होती है, इसलिए मैं पानी गर्म रखती हूँ हमेशा। गर्म मैंने डाल दिया। देखिए, इसमें सिर्फ इस दाल में ये नमक पड़ेगा, थोड़ा सा हल्दी डालते हैं, क्योंकि अभी हम इसका तड़का लगाएंगे,
ये हल्दी पड़ गई और इसी में जरा सी हींग डाल देते हैं। देखिए ये मेरी, ये देखिए, ये हर चीज अभी तड़के में और लगी ही, इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल रहा है, ये देखिए। और अब इसका हम प्रेशर लगा देते हैं, बस ये दाल कुक हो जाती है। उसके बाद मैं इसे तड़का बनाऊंगी, तड़का बना के आपको दिखाती हूँ। तब तक मैं साल दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने दोनों कॉर्नर इसके ऐसे करके देखिए, ये सेफ्टी पिन लगाई है। भूल जाती हूँ बार बार, नए डिजाइन से मैंने सीखा है आज तो। मैं इसको देखिए, आप लोग हो सकता है जानते हो, ये देखिए, ये मैंने इसको ऐसे लगाया, ऐसे जब शादी वादी है तो शादी के लिए तैयार होना चाहिए। अब इसको मैंने ऐसे ही डाल लिया, कैसे, ऐसे ऐसे डाल लिया। अब इधर इसको डाल लिया हाथ में, फिर भूल गए। चलिए अभी फिर से बना के दिखाते हैं आपको, अभी फिर से बनाते हैं, भूल जाते हैं बार बार। अभी थोड़ा सा बना के आपको दिखाते हैं, तब तक दाल बन जाती है। ये देखिए मेरी दाल जो है स्लो कुकर में, देखिए गैस मैंने धीमी कर दी, करीब करीब मूंग की है, ये पक चुकी है। अभी देखिए मैंने कॉर्नर पे लगाया, आज मैं इसको बना के ही रहूंगी। ये देखिए ये बना लगाया, अब इसको मैंने इससे पहन लिया। ये देखिए फिर से भूल जाते हैं, हर बार भूल जाता है, पता नहीं कैसे पहन लेते हैं, कैमरा ऑन होते ही भूल जाता है। ये देखिए शायद अब की बार बन गया हो। ये मैंने सेफ्टी पिन लगाई, ये हुआ, ये मैंने हाथ डाला, ये देखिए ये मैंने हाथ डाला है, ये पीछे गया। और ये मेरी बेटी आई थी तो मुझको बता गई थी ये, और भूल जाते हैं। देखिए अब बन गया आज इस टाइम पे, ये देखिए, देखा ये आप इसको फिट कर दीजिए ऐसे। देखिए अपने हाथ से फिर तो थपा लेते हैं, बना ही लिया आखिर मैंने। और ये देखिए इसको फिर उतारते हैं, ये देखिए ये ऐसे हाथ और ऐसे हाथ, और ये क्या है, कुछ भी नहीं है, फालतू में हमसे बन नहीं रहा था, ये देखिए बन गया बस। ये दोहरा पोर्शन, ये अब फिर पहनते हैं, देखिए बन जाए तो। लेकिन मेरी दाल तब तक खराब हो रही है, ये देखा देखा। और इधर मैंने ये बन गया, ये अपियर बन गया, ये देखिए नजदीक से, ये आप इसको कॉर्नर वाला भी बना सकते हैं ऐसे करके। ये देखिए ये कॉर्नर वाला, देखिए बहुत अच्छा लगा। आप किसी भी फेयर पार्टी में या कहीं भी जाइए, सारे बाल वाल उलझ के रह गए, खाना बनाते समय बाल बंधे होने चाहिए, इसलिए मैं बाल जरूर बांधती हूँ, चाहे जितना फैशन हो। अब तो चलिए एज हो गई, लेकिन पहले भी मैंने बाल बिना बांधे खाना नहीं बनाना चाहिए, खाने में बाल वाल निकलता रहता। अब चलिए मैं इसको उतारती हूँ, और इसको उतार के इधर रख लेती हूँ, और अब चालू होता है मेरा वीडियो। देखिए दाल मेरी पक गई है, अब मैं इधर चढ़ा रही हूँ पैन, पैन चढ़ाती हूँ इसके। देखिए फ्रेंड्स मैंने आज ये तिल का तेल मंगाया है, देखिए सफेद तिल का। तिल का तेल दो तरह का आता है, एक पूजा वाला आता है, एक खाने वाला आता है। तो देखिए इसमें सीधे लिखा हुआ है सफेद तिल का तेल खाने वाला है। अभी कल मैंने बोतल मंगाई थी तो पूजा वाला निकला, लेकिन ये देख चलिए दाल का तड़का जो है वो सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है। ये देखिए तो ये मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है, अब इसमें मैं देखिए सरसों का तेल डालती हूँ। अब इसमें हम लगाएंगे तड़का, सॉरी कोई बात नहीं, आपको खटपट ज्यादा वो हो गया, कड़ाही जो है सब्जी लग गई थी। ये देखिए ये मेरा ये बीन्स है, ये मेरी गोभी है, ये मेरी पत्ता गोभी है। मैं इसको इसमें थोड़ा हल्का ड्राई रोस्ट करूंगी, देखिएगा अभी अभी करते हैं, दिखा रहे हैं आपको। देखिए मैंने जीरा डाल दिया, हल्दी डाल दिया, हल्दी मैंने दाल में भी डाली है, और लाल मिर्चा डालते हैं। ये देखिए तीन मिर्च डाल दी, एक तो ये मेरी तड़के वाली मिर्च, ये और गैस थी बंद, ऑन हो गई।
अब इसमें मैंने डाल दिया इतना मिर्च, ये देखिए ये मिर्च हो गया। अब इसको हम धीरे से पका लेते हैं। ये देखिए मेरा पक गया, ज्यादा जलना नहीं चाहिए। इसमें डाल देते हैं लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ये मसाला जल जाए। लहसुन अदरक और हरे मिर्च का पेस्ट, अब इसको पकने देते हैं थोड़ा, इसकी जल वो जो है थोड़ा सा और डाल देते हैं। देखिए थोड़ा धीमी आंच पे इस मसाले को देखिए तेल छोड़ने तक पका लेते हैं। डाल देते हैं इसी समय पे टमाटर, गैस धीमी करके बारीक बारीक सा। ये दाल खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत फायदेमंद होती है, और इसमें इस तरह से बनाइए आपको तो सब्जी की भी जरूरत नहीं पड़ती। देखिए अब इसमें थोड़ा सा अदरक डाल देते हैं, देखिए इसे टमाटर के साथ। सब सब्जियों का रूटीन करीब करीब एक ही होता है, हाँ ये है कि जो कभी कभी दाल वाल बड़े फ्लेवर वाली बनानी होती है तो थोड़ा उसमें बाजार के मसाले डाल दिए जाते हैं। अब ये देखिए सारी सब्जियां इसमें साथ में तेज पत्ता इसमें डाल के हम फ्राई कर देते हैं। मसालों में ये सब्जी थोड़ा सा धीमी आंच पे करके हम भून लेते हैं, और ये गोभी है इसे इसको ढक देते हैं 2 मिनट। देखते सब्जी अपनी, गैस को कर देते थोड़ा सा तेज, सब्जी पक चुकी है। देखा ये सब्जी थोड़ी सी, इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा कसूरी मेथी क्रश करके। घर में ही खाने को बना रहे हैं इसलिए मैंने मार्केट के मसाले वसाले नहीं डाले हैं, अपना हल्दी धनिया मिर्चा जीरा जो मेरे घर के मसाले हैं वही पड़ा हुआ है, और थोड़ा हींग डाल दिया है। अब ये सब्जी हम थोड़ी सी यही सब्जी दाल में डालने के पहले थोड़ी सी खाने के लिए भी निकाल लेते हैं, अच्छी लगती मिक्स सब्जी है तो बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे खाने के लिए देखिए कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल सादी सी है, ना कोई मसाला है ना कुछ। अब इस सब्जी को हम इधर रख देते हैं, इसमें हम थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं अपनी सब्जी में भी जो खाना खाएंगे हम। ये देखिए अब ये धनिया कटी रखी है, अब इधर देखते हैं दाल से क्या हुआ। ये देखिए मेरी मूंग की दाल, देखिए मूंग मेरी खड़ी कैसी तैयार हुई, ये देखिए बिल्कुल बड़ा बड़ा सा दाना निकला हुआ है, ये देखिए। अब इसको हम इसमें धीमे से ये जैसे ड्राइंग रूम कम डाइनिंग रूम होता है, आपने सुना है ना ड्राइंग रूम को, सुना क्या आपने इसके घर में ही होगा, ड्राइंग रूम कम टू डाइनिंग रूम है, वैसे ही ये दाल कम टू सब्जी। ये बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही पौष्टिक, बहुत ही रिच सब्जी। अब इसको 2 मिनट के लिए हम बंद कर देते हैं, फिर इसमें दस थोड़ी सी दाल लगी हुई है, हम दाल निकाल देते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बन के तैयार हुई है, इसको हम ऐसे ढक देते हैं 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे, जिससे जो दाल है उसमें सारे मसाले का रस जो है, महक जो है, फायदे नुकसान जो है वो सब दाल के अंदर व्यवस्थित हो। ठीक है, उसके पहले मैं आपको एक नई चीज दिखाती हूँ, आपने शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा, तो मैं दिखा रही हूँ आपको। पोछ दूं, ज्यादा गंदा है, ये देखिए कितने लोग आप लोग इसको पहचानते हो, ये देखिए
कितने लोग आप लोग जानते हो इसको? ये मैं आपको बताऊं, ये मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आप मिट्टी के तवे पे रोटी खाया करिए तो आपको गैस नहीं बनेगी। पेट की कोई भी लीवर संबंधी जैसे फैटी लीवर हो जाता है तो वो नहीं होगा। तो ये मैंने तवा लुधियाना से खरीदा था, मिट्टी का तवा। देखा, ये इतने दिन से चल रहा था, ये देखिए। तो ये इस बीच महीना भर से खोया हुआ था, आज अचानक मुझे फिर से मिल गया। देखिए इसकी पीछे की फिटिंग वगैरह कैसी है, ये देखिए, दिख रही होगी। ये लोहा लगा हुआ है, ये स्टैंड है, इसी पे ऐसे रख दिया जाता है। देखा, ये हैंडल है इधर लकड़ी का, ये देखिए तवा, मिट्टी का तवा है ये, बहुत सुंदर तवा है। आपने देखा है पहले कभी? ये देखिए, कहते हैं मिट्टी की तवे की रोटी पेट की या पेट की संबंधित बीमारियों का ये रामबाण इलाज है। वैसे भी कहते हैं कोई बीमारी नहीं होती, इस तवे पे रोटी खाओ तो। अब देखिए ये दाल मेरी पक गई है, अब मैं इसको, ये देखिए, अब हम गैस बंद कर देते हैं। इसमें थोड़ी धनिया डाल देते हैं, ये देखिए थोड़ी धनिया डालते हैं, इधर एक तड़का इसमें और दे देते हैं, बस ये इसको हम उतारते हैं, उतार के इधर रखते हैं और तड़का पैन चढ़ाते हैं। तड़का पैन चढ़ा के तड़का बनाते हैं। ये देखिए मेरा घी गर्म हो गया और मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ बस, और बाकी चीजें नहीं डालेंगे। बहुत सारा मसाला उसमें पड़ा हुआ है, घर में ही खाना है तो ये धीरे धीरे जीरा पक जाता है। तब तक मैं इधर दाल को सर्व कर लेती हूँ। दाल सर्व करके तड़का में किसी प्लेट में लगा देती हूँ। देखिए ये मेरी दाल है, ये देखिए। आप इसको दाल भी बोल सकते हैं, मिक्स सब्जी भी बोल सकते हैं, आप कुछ बोल सकते हैं। अब खाने खाते समय ये तेज पत्ता निकाल देते हैं, ये देखिए तेज पत्ते का महक रस सब आ गया है, ये देखिए। इसको करते बंद, जीरा जल जाएगा और ये मेरी सब्जी कम टू दाल तैयार। ये मूंग की खड़ी मूंग है धुली हुई, ये आप एक बार बनाए तो आप इसको बार बार बनाएंगे, वो बहुत ही अच्छी लगती है। थोड़ा सा नींबू का रस डाल लें, टपका लें ऊपर से, ये देखिए ये सब्जी ये तैयार हो गई दाल। अब देखिए हम इसमें लगा देते हैं ये देखिए ये तड़का, ये स्मोकिंग तड़का दाल के अंदर, और ये गई धनिया, ये देखिए देखा। आपको ये दाल कैसी लगी प्लीज जरूर सर्व कर बताएं, लाइक एंड सब्सक्राइब। ये देखिए ये खड़ा मूंग है और ढेर सारी सब्जियों के साथ पौष्टिक भी, दाल भी पौष्टिक, सब्जी भी पौष्टिक। थैंक यू, सब्सक्राइब जरूर करें।